फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीजीटी क्या होता है, पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या होती है। पीजीटी क्या होता है? पीजीटी का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। पीजीटी का एग्ज़ाम सरकारी स्कूल में शिक्षकों यानी कि 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक की भर्ती के लिए किया जाता है। पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को कम से कम बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने पर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में पीजीटी एग्ज़ाम पास करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 50% पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम से होती है। इसके बाद इंटरव्यू, स्पेशल क्वालिफिकेशन, वेटेज और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पीजीटी के लिए रिटन एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और आपको सही ऑप्शन उसमें से चुनना होगा। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है और एक्सप्रेसिवनेस एबिलिटी भी देखी जाती है। स्पेशल क्वालिफिकेशन वेटेज, अगर पीजीटी का एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे डॉक्टरेट डिग्री, एमएड, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ETC हो तो ऐसे कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीजीटी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते टाइम कैंडिडेट ने जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल दिए होते हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। सब कुछ सही होने पर कैंडिडेट का पीजीटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है। पीजीटी टीचर की सैलरी, भारत के अलग अलग राज्यों में पीजीटी टीचर की सैलरी अलग अलग होती है। फिर भी बात अगर औसत में की जाए तो पीजीटी टीचर की सैलरी 47,000 से 60,000 रुपये प्रति माह के बीच में होती है। पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, पीजीटी का रिटन एग्ज़ाम कौन करवाता है? भारत में पीजीटी का लिखित एग्ज़ाम मुख्यतः 3 निकायों द्वारा करवाया जाता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। पीजीटी और टीजीटी में क्या फ़र्क है? पीजीटी करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जबकि टीजीटी करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएड और ग्रेजुएशन होती है। पीजीटी करने वाले व्यक्ति 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जबकि टीजीटी वाले केवल 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पीजीटी का फॉर्म कब आता है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के आधार पर कुछ कुछ वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार पीजीटी का फॉर्म निकालती है। पीजीटी का फॉर्म किस वर्ष आएगा और किस वर्ष नहीं आएगा, यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है।